हेलो जी, तो आज चल दिए हैं हम सरोजनी नगर, हर लड़की का फेवरेट। हम पूरे रेडी शेडी होके गए थे, बट हमें नहीं पता था इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं बेस्ट सरोजनी शॉप्स एंड शॉप नंबर एंड हिडन शॉप्स भी मैं कुछ डिस्कवर करने वाली हूँ। तो जी चल दिए हम अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमने कैब बुक करी एंड जैसे ही आप एंट्री करोगे सरोजनी नगर में, मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट में आपको सरोजनी मार्केट में एंट्री करने का गेट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं अब की बार क्या कुछ नया आया है एंड राइट नाउ सरोजनी में क्या कुछ मिल रहा है। एंड समर कलेक्शन, मॉनसून कलेक्शन दोनों का कम्बिनेशन हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको ये बोर्ड दिख जाएगा सरोजनी मार्केट का, यहाँ से राइट साइड लेना है एंड राइट साइड चलते ही आपको ये शॉप मिल जाएगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट इसके प्राइस थोड़े से हाई होते हैं तो मैं इतनी रिकमेंड नहीं करूँगी। जैसे ही आप अंदर जाओगे इंसेंस वाली लाइन में, यहाँ पर आपको भरमार मिल जाएगी थड़ी की। एंड मेरे को सभी का डिज़ाइन एंड पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। अगर आप फॉर्मल वेयर के लिए कुछ चेक कर रहे हैं तो 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इट्स ए स्टील डील। एंड जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको एक और थड़ी मिल जाएगी, वो भी 150 रुपीज़ में। आपको कॉटन ब्लैंड की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट सभी का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, डेली वेयर के लिए काफ़ी परफेक्ट है। एंड काउंट शॉप के जस्ट साइड वाली शॉप के बाहर ये थड़ी लगी हुई थी। एंड जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे वाइट शर्ट्स की थड़ी की तो भरमार थी। आपको सिर्फ इसी लाइन में, जो इनसेंस वाली लाइन है, मोस्टली यहीं पे वाइट शर्ट्स हो गई, ये विदाउट यू नो स्लीव्स वाली शर्ट हो गई, इन सब का यू नो कलेक्शन यहीं पे देखने को मिलेगा पूरे सरोजनी नगर में। तो आई विल सजेस्ट आप इसी लाइन से एंटर करें सो दैट आपको काफ़ी अच्छा स्टफ पहले ही देखने को मिल जाए। एंड जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे आपको मिलेगी ये शॉप नंबर 186 के बाहर थड़ी। एंड इसका कलेक्शन इतना प्यारा था, आपको कुंदन की ज्वेलरी एंड वैसे भी जो वेस्टर्न स्टाइल की अगर आपको पसंद है, इतनी प्यारी पर्ल डिटेल की ज्वेलरी मिल जाएगी। एंड अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो उनके लिए परफेक्ट होने वाली है। एंड यहाँ से मैंने शॉपिंग भी की है। इनके प्राइस 50 रुपये से स्टार्ट होते हैं एंड जाते हैं अप टू 350 टू 450, तो आप थोड़ा सा बार्गेन कर लेना क्योंकि मैंने नेगोशिएट किया था एंड वो भैया ने थोड़ा सा कम कर दिया था। एंड इससे थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे को ये थड़ी मिली जिसमें 200 रुपीज़ के ये शरारा मिल रहे थे, शरारा तो नहीं बट काफ़ी हैवी फ्लेयर के प्लाजो मिल रहे थे। एंड मुझे काफ़ी पसंद आए क्योंकि इनका फैब्रिक कॉटन ब्लेंड का था, तो समर्स एंड मानसून सीजन के लिए काफ़ी परफेक्ट है। प्रिंट एंड ऑल भी इनके ऊपर जो दिया था वो काफ़ी प्यारा दिया गया था। एंड ये वाइट कलर का एंड जो ऑरेंज कलर का प्लाजो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं यही चेक कर रही थी कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, बट मुझे साइज़ थोड़ा सा लूज़ लग रहा था। ओवरऑल क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, 200 रुपीज़ में इट्स ए स्टील डील अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो तो। एंड इससे थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद ये शॉप है, इस पर ट्राउज़र्स की भरमार थी। आप देख सकते हो कितने सारे ट्राउज़र्स हैं एंड मोस्टली ज़ारा डूप से, एंड कुछ की तो यू नो ब्रांडिंग भी ज़ारा एंड मैंगो वाली थी। एंड ये मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा था, मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये शॉप ज़रूर चेकआउट करना है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद न्यू इंडिया क्रिएशन के सामने ये भैया थड़ी लगाते हैं एंड काफ़ी प्यारी जंक ज्वेलरी का इनके पास कलेक्शन था। एंड नवरात्रि राखी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट होने वाली है। एंड मेरे को इनकी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, अगर आपको भी जंक ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी प्यारी चांद बाली हैवी झुमकाज एंड ये नेक पीसेस तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। अगर आपको बोहो लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलने के बाद ये स्कर्ट्स की एक थड़ी लगी हुई थी एंड जिसका प्राइस था अगेन 200 रुपीज़। एंड इनका जॉर्जेट का फैब्रिक था एंड इनके ऊपर काफ़ी प्यारा प्रिंट बना हुआ था, पिंक कलर, ब्लू कलर, जो भी आपको कलर चाहिए आप परचेज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा आगे चलने के बाद बिक्सी के साइड में ये भैया ने शॉप लगाई हुई थी, अपनी थड़ी लगाई हुई थी एंड इस पर आईफोन के एंड जो भी नॉर्मल एंड्रॉयड के हैं फ़ोन कवर्स मिल रहे थे एंड सारे इतने ट्रेंडी थे। बट मेरे को मेरे फ़ोन के लिए कोई कवर नहीं पसंद आया, बट मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ आई थी उनको अपने लिए काफ़ी प्यारे प्यारे कवर्स मिल गए थे एंड प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था इन भैया का, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। एंड थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे को एक और थड़ी मिली एंड इनका प्राइस था अराउंड 100 के आसपास। एंड इसमें इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी, काफ़ी विंटेज शर्ट्स भी थी एंड फॉर्मल शर्ट भी थी। मेरे को ये ब्लैक एंड गोल्डन वाली काफ़ी पसंद आ रही थी क्योंकि काफ़ी विंटेज वाइब दे रही थी। अगर आपको यू नो अलग से कुछ यूनिक सा सर्च कर रहे हो तो सरोजनी में आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। एंड इससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरे को एक ये थड़ी मिली जिसमें मोस्टली वाइट शर्ट्स टॉप्स हो गए वो था। तो जैसे मैंने बोला इनसेंस वाली लाइन में ही आपको ये सब मिल सकता है, वाइट कलर की शर्ट एंड टॉप ऐसा कुछ। एंड मेरे को वाइट कलर देखते ही इतना प्यार हो जाता है ना, मैं हर चीज़ चेकआउट करती हूँ अगर वो वाइट कलर में है।
एंड मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की है, तो स्टे ट्यून्ड टू नो मैंने क्या क्या शॉप किया, तो नेक्स्ट आपकी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड इस थड़ी के सामने ही ये एक शॉप थी जिसमें मोस्टली वाइट शर्ट्स थी एंड इनका प्राइस वो कोट कर रहे थे 350 टू 450 के आसपास, तो अगर आप बार्गेन करेंगे तो 250 एंड 300 में आपको मिल जाएंगे। एंड शॉर्ट्स, जीन्स एंड कोरियन टॉप्स भी काफ़ी सारी इनके पास कलेक्शन थी। आप देख सकते हो कितने क्यूट प्यारे प्यारे कोरियन से। एंड इंसेंस वाली गली में ही जैसे आप थोड़ा सा आगे चलोगे आपको ये शॉप दिख जाएगी जिसमें H&M, ज़ारा पे जो कार्गो चल रही हैं उनके जैसी ही कार्गो थी एंड क्वालिटी एंड ऑल काफ़ी अच्छा था। बट जैसे ही मैंने साइज़ ट्राई किया मेरे को साइज़ बिल्कुल भी फिट नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा लूज है। अपोजिट टू इंसेंस आपको ये शॉप दिख जाएगी एंड इनका प्राइस उन्होंने कोट किया था 750 के आसपास, बट आप बार्गेन करके इनको 450 या 350 के आसपास लेके आ सकते हो। एंड जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको एक ग्रिफ्टी लेन दिख जाएगी एंड इसके जस्ट साइड में ही ये एक थड़ी लगाई हुई थी भैया ने, 200 रुपीज में आपको काफी प्यारे प्यारे कार्गोज या फिर ट्राउजर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसे ही मैंने ये ट्राई किया ये मेरे को काफी ज्यादा शॉर्ट आ रहा था, तो ये मेरी फ्रेंड हेमा ने लिया, मेरे को काफी ज्यादा शॉर्ट हो रहा था। बट यहाँ से मैंने एक चीज परचेज की है वो आपको नेक्स्ट हॉल में देखने को मिल जाएगी। एंड ग्रेफिटी लेन तो अब पूरी खाली ही हो चुकी है, कुछ भी नहीं था वहां पे, सिर्फ एक ये शॉप लगी हुई थी जिसमें उन्होंने ब्लेजर ड्रेसेस ऐसा कुछ लगाया हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट इनके प्राइजेज वो काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे। तो यहाँ से हम मूव करके इसके अपोजिट साइड आए तो यहाँ पे आपको शॉप देखने को मिल जाएंगी ये कैप वाली, एंड इनका प्राइस उन्होंने कोट किया था 250 या 300 के आसपास, बट आप बार्गेन करेंगे तो अगेन आपको 150 या 200 में वो कैप दे देंगे। एंड काफ़ी प्यारी कैप्स की क्वालिटी एंड ऑल भी इनका काफ़ी अच्छा था, नाइकी की, पूमा की, एडिडास की, सब भी की आपको ड्यूप देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे ही आप इस ग्रेफिटी लेन से सामने की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आती है मेरी फेवरेट शॉप विच इज़ ए हिडन शॉप एंड इसका है शॉप नंबर 198। एंड इसमें आपको टॉप, शर्ट्स, ड्रेसेस, ट्राउज़र, शॉर्ट, डांग जी हर चीज़ देखने को मिल जाएगी एंड वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की एंड प्राइस भी काफ़ी कम कोट करते हैं ये, 250 या 350 में आपको हर चीज़ मोस्टली मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बैगी टी शर्ट्स, जीन्स एंड जीन्स की क्वालिटी तो इतनी अच्छी थी, मेरा मन कर रहा था मैं सभी परचेज कर लूँ। एंड मोस्टली जो भी जीन्स थी वो ज़ारा, H&M, मैंगो की ड्यूप थी या फिर ओरिजिनल ही थी, मेरे को क्वालिटी एंड लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड ये भैया जो भी हैं शॉपकीपर्स आपको काफ़ी अच्छे से चेक करके आपकी वेस्ट वगैरह सब कुछ मेज़र करके आपको देते हैं, तो इट्स ए बेस्ट पार्ट। एंड इस शॉप में ही आपको मोस्टली हर चीज़ मिल जाएंगी, पार्टी वियर या फिर नॉर्मल शर्ट्स या फिर वैसे ही कोई भी ट्राउज़र्स, तो डेफिनेटली चेकआउट दिस शॉप। एंड मैंने यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें शॉप की हैं एंड इतनी सारी वेराइटी थी इनके पास, लेदर पैंट्स या फिर स्ट्रेट पैंट, वाइट पैंट्स, जो भी जैसी भी आपको यू नो जीन्स चाहिए इनके पास मिल जाएंगी, जस्ट आप नाम बोलो और वो आपको दिखा देंगे। ज़ारा का भी ये ड्यूप मैंने ट्राउज़र देखा है पर्पल कलर का, इट्स एग्जैक्टली सेम जैसा ज़ारा पे मिलता है, सो डेफिनेटली चेकआउट दिस शॉप। इससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप देख सकते हो एटर्निटी के पास में ही ये थड़ी थी जिसपे मोस्टली जो है कैजुअल टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी एंड इनका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट था। एंड इससे थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद मेरे को ये थड़ी दिखी जिसमें ये क्रॉप शर्ट्स लगी हुई थी, काफ़ी सारे कलर्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल थे, बट मेरे को इनका फैब्रिक पसंद नहीं आया। तो इसके साइड में ही एक और थड़ी लगी हुई थी जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कॉटन फैब्रिक के शर्ट्स मिल रहे थे। बिक्सी के आपको जस्ट सामने ही ये शॉप दिख जाएगी, ट्राउजर्स एंड शर्ट, टॉप काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एंड एग्जैक्ट H&M, ज़ारा डूप। नेक्स्ट थड़ी दिखी मेरे को सिर्फ 80 रुपीज़ की जिसमें काफ़ी विंटेज टाइप के टॉप्स, शेंडोज ऐसा कुछ कलेक्शन था। एंड ये जो थड़ी थी वो जस्ट सामने थी साउथ स्क्वायर मॉल के, तो अगर आप उस गेट से एंट्री करते हो तो आपको ये फर्स्ट थड़ी मिल जाएगी जिसमें काफ़ी अच्छे प्यारे टॉप्स थे जो मिड जो सीज़न होता है थोड़ा सा रेनी का उसमें पहनने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड नेक्स्ट मेरे को थड़ी दिखी ये ट्राउज़र्स की, फॉर्मल वियर के लिए, कैजुअल वियर के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ट्राउज़र्स थे एंड इनका कलेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड इनका प्राइस था सिर्फ 150 रुपीज़। यहाँ से भी मैंने ट्राउज़र परचेज़ किए जो आपको नेक्स्ट हॉल में देखने को मिल जाएंगी कि क्वालिटी एंड ओवरऑल फिट कैसा आया था। एंड थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही ये एक शॉप दिखी जिसमें सिर्फ 550 रुपीज़ की आपको काफ़ी प्यारी कॉटन की कुर्तीज़ मिल रही थी एंड मेरा तो इन चिकनकारी वाली कुर्तीज़ पे दिल ही आ गया था। रेड कलर की ये चिकनकारी कुर्ती इतनी प्यारी लग रही थी एंड 550 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इस
इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, साउथ स्क्वायर से एंटर करने के बाद ही ये शॉप आपको दिख जाएगी। एंड इससे थोड़ा आगे चलने के बाद ये शॉप थी जिसमें काफ़ी अच्छा समर कलेक्शन था ड्रेसेस का। आप देख सकते हो लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, मिड ड्रेसेस एंड कुर्ताज, काफ्तान, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड हम मंडे को मार्केट गए थे तो मोस्टली मार्केट जो है वो बंद था एंड काफ़ी ज़्यादा खाली मार्केट लग रहा था। एंड एरोल सन्स के जस्ट सामने आपको ये ज़ारा की ड्यूप जो ड्रेसेस हैं, कोट सेट्स हैं, वो मिल जाएंगे। बट इनका प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे, अराउंड 2500 के आसपास। तो अगर आप बार्गेन करते हैं तो आपको 2000 के आसपास ये कोट सेट्स मिल जाएंगे, इनकेस आपको ज़ारा ड्यूप अगर चाहिए हो तो। शर्ट्स एंड ये कोट सेट्स जो काफ़ी वायरल चल रहे, तो आप ये शॉप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद ही मेरे को एक और शॉप दिखी जिसमें एग्जैक्ट यही सेम जो है वो ट्राउजर्स एंड ड्रेसेस ज़ारा की वो सेल कर रहे थे। एंड अगेन इनका भी प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे एंड बार्गेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। एंड थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे को ये काफ़ी अच्छी थड़ी मिली जिसपे मैश टॉप्स एंड ये समर टॉप्स मिल रहे थे। एंड ये ब्लैक कलर का तो काफ़ी प्यारा था, यू नो, फेस्टिव सीजन के लिए या बर्थडे के लिए परफेक्ट है। एंड ऐसे ही चेकआउट करते करते मेरे को ये काफ़ी प्यारा सा पिंक कलर का टॉप मिल गया जो हेमा को भी काफ़ी पसंद आ रहा था, तो ये हेमा ने परचेज़ कर लिया। एंड यहीं पे ही नेक्स्ट एक शॉप थी जिसमें काफ़ी प्यारे कोट सेट्स मिल रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे को ये शॉप दिखी जिसमें जो है ब्रांडेड ड्यूप्स बैग मिल रहे थे, बट ये भैया काफ़ी ज़्यादा रूड थे एंड इन्होंने शूट करने नहीं दिया, तो मैंने इतना कुछ इनका कलेक्शन कवर नहीं किया। यहाँ से हम जस्ट मूव करके आ गए क्योंकि भैया काफ़ी ज़्यादा रूड थे एंड उन्होंने बोला कि वीडियोज़ वगैरह आप नहीं ले सकते। एंड साउथ स्क्वायर के पास में ही आपको ये जो है एक थड़ी दिख जाएगी जिसमें काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट टॉप्स थे सिर्फ 200 रुपीज़ के। एंड समर्स के लिए ऐसे प्यारे क्यूट टॉप्स परफेक्ट होते हैं। एंड शर्ट्स भी थी एंड फैब्रिक एंड ऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरे को एक शॉप दिखी जिसमें काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ थी बैगी टी शर्ट्स की, आप बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, किसी के लिए भी परचेज़ कर सकते हो। एंड थोड़ा आगे चलने के बाद अगेन मेरे को थड़ी दिखी जिसमें काफ़ी प्यारे विंटेज टाइप की शर्ट्स एंड टॉप्स मेरे को दिखे थे एंड इनकी क्वालिटी एंड ऑल टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छी थी। तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप थड़ीज़ को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे हिडन जेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये ग्रीन एंड पिंक कलर की शर्ट काफ़ी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी। एंड फिर हम ग्रेफिटी लाइन क्रॉस करके जो सब्जी मंडी वाली लाइन है इसमें आ गए। एंड मंडे मार्केट थी तो यहाँ पे मंडे मार्केट लगी हुई थी बट गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी एंड ह्यूमिडिटी हो रखी थी तो हमने इसको चेकआउट नहीं किया। थोड़ा आगे चलने के बाद एक शॉप थी जिसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन था फुटवेयर का, 350 रुपीज़ में आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे क्यूट से फ्लिप फ्लॉप्स मिल जाएंगे। ज़ारा H&M की जो ड्यूप होती है एग्जैक्ट वैसे ही 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। एंड जैसे ही सब्जी मंडी वाली लाइन से आप सरोजनी के गेट नंबर 3 की तरफ चलते हो तो आपको एक शॉप दिख जाएगी जिसमें टी शर्ट्स, टॉप्स, चेक टी शर्ट, क्रॉप टॉप आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये ज़ारा ड्यूप वाले जो टॉप हैं एंड जो गोवा बीचेस के लिए टॉप होते हैं फ्लोरल, काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड इनका प्राइस उन्होंने कोट किया था सिर्फ 250-350 के आसपास, तो अगर आप बार्गेन करेंगे तो आपको 100 या 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एंड मंडे मार्केट होने की वजह से मोस्ट ऑफ जो शॉप्स थी वो भैया ने बंद कर दी थी क्योंकि कम्युनिटी वाले आ गए थे तो काफ़ी ज़्यादा हम जो फ्रेंड्स थे वो एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे एंड इतनी गर्मी हो रखी थी, तो हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग करके एंड फिर वहाँ से निकल गए। जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे सरोजिनी नगर से, हमें दिखी एक ये थड़ी, काफ़ी प्यारा इनका कलेक्शन लगा। अगर आपको यूनिक ईयरिंग्स पसंद हैं या फिर आपको वेकेशन के लिए कोई ईयरिंग्स चाहिए तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हो। सरोजनी गेट नंबर 3 में ही आपको ये थड़ी दिख जाएगी। एंड फिर एक और थड़ी मेरे को दिखी जिसमें काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे ईयरिंग्स थे जिनका प्राइस उन्होंने कोट किया था सिर्फ 50 एंड जो ऊपर लगे हुए थे उनका 100 था। बीडेड ईयरिंग्स अगर आपको भी पसंद है मेरी तरह तो डेफिनेटली यू कैन चेकआउट दिस। एंड साइड में ही वेस्टर्न वियर का भी कलेक्शन था जिनका भी प्राइस अराउंड 20 या 30 के आसपास था। तो जी हमारी तो हो गई है शॉपिंग। एंड जैसे ही सरोजनी से बाहर आते हैं ये सनग्लासेस की एक कलेक्शन दिख जाती है एंड यहाँ से भी मैंने एक परचेज़ कर लिया। एंड मैंने जो भी परचेज़ किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा।